शहर में अतिक्रमण करने वाले झुग्गियों को भूमि के पट्टे आवंटित करते समय सरकार के फैसले का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। ऊर्जा मंत्री और संरक्षण मंत्री नितिन राउत ने यह ध्यान रखने का निर्देश दिया कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो। शहर में झुग्गियों में रहने वालों को जमीन के मालिकाना हक देने को लेकर कलेक्ट्रेट भवन में बैठक हुई। बैठक में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। बैठक में जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे, नागपुर के नगर आयुक्त राधाकृष्णन भी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित थे। नागपुर सुधार प्रन्यास की साइट पर बैठे कुल 60 मलिन बस्तियों पर चर्चा की गई। विधायक नागो गानार ने कहा कि कुछ जगहों पर सरकार के फैसले के अनुसार पट्टे आवंटित नहीं किए गए थे। संरक्षक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने हस्तक्षेप किया और कहा कि अगर किसी के साथ इस तरह से अन्याय हुआ है तो उसकी जांच। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भूखंडों को सभी को उचित तरीके से वितरित किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि परियोजना प्रभावित लोगों को यदि कोई शिकायत है तो वे जिला कलेक्टर को एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें। ये स्पष्ट किया गया कि वर्तमान में 26 मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शेष 34 मलिन बस्तियों में यह कहा गया था कि पट्टों का आवंटन आरक्षण बाधा, रेलवे बाधा, नाला अवरोध, लेआउट विकास आदि के कारण संभव नहीं था।